लोगों को तिरंगे से बहुत एलर्जी थी। अब देखिए बेलगाम शहर में भी चार चार साल तो नहीं लहराया गया। इस पर ज़बरदस्ती करना या ना करना एक नैरेटिव है। जो लोग आज तक तिरंगे को छुपाया करते थे वो अब ज़्यादा दिखावा करते हैं। अलग हाँ टेम्पररीली वो बोलेगा ये मेरे मज़हब का है, ये मेरा ग्रीन है, तेरा सैफरन है, वो ठीक है। मगर जहाँ नेशनलिटी और नेशनल प्राइड का सवाल आता है तो तिरंगा कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। यहाँ के भी मंत्रियों ने वैसा स्टेटमेंट भी दिया कि भाई फलाना तारीख के बाद में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब बात को दोहरा के नहीं बढ़ाएंगे। वो आग लगाए थे थोड़ी बहुत, अब हम पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश में, और बुझ जाए कुछ नहीं, उनकी नाकामियाँ हैं। अब चलो कम से कम एक अच्छा बहाना तो ढूंढ के निकाले हैं। ऐसे नहीं कि वो बच्चों को भूखा देख करके भी मोबलों की बात करेगा। आज एक्सपीरियंस नहीं है, काम नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर ये बहाने बना के वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया, तो आ गया ना वापस घर घर तिरंगा। ये लोग तो पहले से ही ऑब्जेक्ट करते आए हैं कि दिस इज़ नॉट आवर फ्लैग, दिस इज़ नॉट आवर फ्लैग, अब नाउ दिस इज़ आवर फ्लैग, दिस इज़ आवर फ्लैग। हो गया ना कि कभी वो देश प्रेमी है, कभी वो देशद्रोही है। ये एक नैरेटिव कुछ लोगों को समझाने की कोशिश में है, लोग इनकी बात मानने को इनकार कर रहे हैं। अब नहीं चल रहा है तो लास्ट को अब सुने ने कहा कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, तिरंगा हमारा है, आपका है, हम सबका है, घर घर तिरंगा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरा मुल्क जश्न यौम आज़ादी 75वां मनाया जा रहा है, जिसे अमृत महोत्सव के नाम पर भी मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में तिरंगा की एक तहरीक भी चलाई जा रही है, घर घर तिरंगा का नाम भी हुकूमत की जानिब से दिया गया। लिहाजा हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, जनाब अलहाज फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब, जो साबिक MLA रह चुके हैं। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम इस्तकबाल। सर जिस तरह से मुल्क में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, 75वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, महंगाई बेरोज़गारी से लोग परेशान है, और वो लोग अक्सर कहा जाता है कि वो लोग यौम आज़ादी की बात कर रहे हैं और तिरंगा हर घर लगाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के CM उन्होंने कहा कि अगर कोई तिरंगा नहीं लगाता है तो वो देश विरोधी है। तो किस दिशा में जा रहा है सर, एक मुल्क की जिस तरह से एक परिभाषा की जाती है। आपको हम बताएं, सबसे पहले तो सारे भारतवासियों को 75वां साल यौम आज़ादी का मुबारक हो। सकता है कि कुछ खामियां रह गई हैं, मगर उन्हें अगर याद करें हम, जो आज़ादी दिलाए, जो अपनी जानें गंवाए, जो शहीद हुए, कंसिस्टेंटली फॉलोअप करके, हम पैदा होने से पहले ही हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक चल रहा था, पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इट वॉज गोइंग ऑन। ऐसे नहीं कि बहुत अमीर वतन थे, फिरंगियों ने, ब्रिटिशर्स ने, जिनकी हम बात नहीं करते आज, हम बात नहीं करते उनकी, हम उससे पहले की इतिहास में जाते हैं। ये 200 साल का इतिहास में हम जाते नहीं हैं। 90% दौलत थे तो लूट के लेके गए यहाँ से, और ऐसे हालत में हिंदुस्तान को छोड़ के गए जो पार्टीशन और फिर ये, तो वहाँ से ऊपर आना बहुत मेहनत किए हैं लोगों ने, बहुत किए हैं। 2018 में मैं जब हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तिरंगा बेलगाम शहर में लगाया, यही सोच के लगाया कि भाई बहुत बहुत से फ्लैग्स, चाहे ब्लू हो, ग्रीन हो, सैफरन हो, ये चल रहा है, लोग एक दूसरे को अपने अपने फ्लैग्स दिखा के डरा रहे हैं। इट वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड बेसिकली, और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आग लगाने का काम शुरू था, और तब तो कुछ लोगों को तिरंगे से बहुत एलर्जी थी। अब देखिए बेलगाम शहर में भी चार चार साल तो नहीं लहराया गया। अब जब पता चला कि भाई तिरंगा ही सबके मन में बसा है, दिल में बसा है, 99% इंडियंस के, तो अब नई पॉलिसी होगी, तो अब घर घर तिरंगा शुरू हो गया। हम खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इंटरेस्ट लिए
और ये मुहिम को शुरू कर दे कि जो कॉमन फैक्टर है हिंदुस्तान का, जो नेशनल फ्लैग है हमारा तिरंगा है, अब लेट अस बी प्राउड ऑफ दैट फ्लैग, नॉट एनी अदर फ्लैग इंडिविजुअल, मेरा ये कलर तेरा वो कलर तेरा ये कलर। इस पर ज़बरदस्ती करना कहाँ तक से? नहीं नहीं, इस पर ज़बरदस्ती करना या ना करना एक नैरेटिव है जी। जो लोग आज तक तिरंगे को छुपाया करते थे वो अब ज़्यादा दिखावा करते हैं, आप समझे? तो ये देशभक्ति फर्जी तो नहीं? अब देखो हम क्या करेंगे कि जो मिला है उसको लेके भाई ठीक है करके संभालने की कोशिश करेंगे जी। चलो हमारे राह में हम ये सोच के चल रहे हैं कि 2018 में हमने जो बेलगाम शहर में तिरंगा लगाया जी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हिंदुस्तान में हुई है मेरे जैसे आपके जैसे लोग के सपोर्ट से, जो वजह है आज ये परिवर्तन का, समझे? कि भाई तिरंगा है अब, चाहे दलित हो, हिंदू हो, लिंगायत हो, मराठा हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म का इंसान आदमी है, बंदा है, हिंदुस्तान का जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वो को तिरंगे के साथ ही लगाव है। आप कितना भी उसको अलग, हाँ टेम्पररीली वो बोलेगा ये मेरे मज़हब का है, मेरा ग्रीन है, तेरा सैफरन है, वो ठीक है, मगर जहाँ नेशनलिटी और नेशनल प्राइड का सवाल आता है तो तिरंगा कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। कोशिश हुई उसको साइडलाइन करने की, यहाँ के भी मंत्रियों ने वैसा स्टेटमेंट भी दिया कि भाई फलाना तारीख के बाद में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब बात को दोहरा के नहीं बढ़ाएंगे, हम आग में पानी डालने का काम करेंगे, हम आग में पानी डालने का काम करेंगे, हम तेल नहीं डालेंगे उसमें, वो आग लगाए थे थोड़ी बहुत, अब हम पानी डाल के उसको बुझाने की कोशिश में, और बुझ जाएगा। और ऐसी सोच अब हिंदुस्तान भर में चल रही है। दी नैरेटिव ऑफ ये अच्छा है, वो इतिहास है, वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो अब दिखते दिखते देखते लोगों के सामने हकीकत ये है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, आज जेब में हाथ डालो तो उतना पैसा नहीं है जितने में मैं चावल खरीद सकूं या तेल खरीद सकूं। ये कैसी देशभक्ति सर, तो फ्लैग भी तो खरीद कर ही लगाना पड़ रहा है घर पे, और वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि 4 साल के बाद सबको एक एक घर दिया जाएगा, लेकिन आज घर घर तिरंगा लगाया जा रहा, तो बात उस पर भी चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री ने मकान देने की तो बात की, लेकिन अब घर घर तिरंगा की बात की जाए तो कई सारे मीम्स भी आ रहे हैं कि घर तो तिरंगा तो है लेकिन घर नहीं, तो इस पर क्या? देखो अब बार बार जो सबको मालूम है अब हम बोलना कि भाई कुछ नहीं, उनकी नाकामियां है, अब चलो कम से कम एक अच्छा बहाना तो ढूंढ के निकाले हैं, नहीं तो और कुछ निकाल देते। ये बार तिरंगा हमारा है, हम सबका है, घर घर पे है, चाहे किसी का भी घर हो, दिस इज़ ए गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। तिरंगे के नीचे मकान तो अल्लाह ताला आ जाएगा सबके लिए, आप फिक्र मत करिए, किसी के देने से आता नहीं है। ये वतन में लोग मेहनती लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक दूसरे को मोहब्बत करने वाले लोग 99% है, वो 1% में बोला ना जो आग लगाते घूमते हैं, अब तो पानी की बाल्टियाँ इतनी है कि वो आग लगने से पहले बुझाने वाले लोग तैयार हो गए, तो लेट अस नॉट वरी अबाउट इट। थोड़ा वक्त उनको मजबूरन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके हद में बात करना और उसके अंदर रहना और उसके अंदर बिहेव करना, वो उनकी मजबूरी हो जाएंगी। सर 75 साल देखते देखते तो गुजर गए सर, एक लंबा सफ़र रहा 75 साल का, लेकिन देखते देखते कहीं तो भी मज़हबी तशद्दुद शिद्दत इख्तियार करते हुए देखा जा रहा है, फिर विश्वगुरु की बात भी की जाती है, तो ये कैसे है कि एक तरफ जो है हम विश्वगुरु की बात कहे और पूरा मुल्क जो है मज़हबी तशद्दुद में है, महंगाई बेरोज़गारी तो अपनी जगह है, तारीख मियार छू चुके हैं, सर इस पर क्या कहें? ये जो कम्युनलिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये एक उनको लगता है कि इस तरफ इस पे डिस्कशन जोर देंगे तो लोगों का ध्यान यहाँ से निकल के वहाँ आ जाएगा, तो भक्ति और भक्त लोगों की जो बात होती है आमतौर पे मजाक में भी होती है और सीरियसली भी होती है, इंसान कब तक झूठ को संभालेगा और कब तक झूठ को पालेगा, एनीबडी बच्चों को भूखा देख के तो फिर वो झूठ और
मजहब वजहब की बात नहीं करेगा, ही विल फर्स्ट ट्राई टू फीड द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के पेट भरने की कोशिश करेगा हर एक, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मराठा हो, लिंगायत हो, ऐसे नहीं कि वो बच्चों को भूखा देख करके भी मुगलों की बात करेगा। आज लोग समझदार है, आप उतना परेशान मत हो जाइए, आप भरोसा कीजिए कि 99% हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, जो इतने सौ सालों से सबको लेके साथ में चले हैं। हम हमारे अतराफ के वतनों को देखें, चाहे आप म्यांमार जाओ या बाजू में एक पाक नापाक है, एक तरफ साउथ में श्रीलंका की हालत आप देखिए, तो यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं, एक दूसरे को, आप और हम सभी, हाँ हमें संभालने वाले लोग भी हैं और हम संभालने वाले भी लोग में से लोगों में से हैं। तो ये इतना भी पेसिमिस्टिक होना वो ठीक नहीं है, हार मानने के बराबर होता है। हमें यकीन है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुस्तान की है, उन्होंने दलितों को भी संभालना है, उनको माइनॉरिटी मुसलमानों को भी संभालना है, सिख्स को भी संभालना है, जैंस को भी संभालना है, क्रिश्चियन को भी संभालना है, और वो संभालेंगे, ये मुझे भरोसा है, जो थोड़े बहुत सियासती फ़ायदे के लिए अब एक्सपीरियंस नहीं है, काम नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर ये बहाने बना के वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वो भी बंद हो गया, तो आ गया ना वापस घर घर तिरंगा। अरे तिरंगा तो हमने बनाया था 1947 से पहले, जो भी आज़ादी की लड़ाई में थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई ये वतन का, ये लोग तो पहले से ही ऑब्जेक्ट करते आए हैं कि हाँ दिस इज़ नॉट आवर फ्लैग, दिस इज़ नॉट आवर फ्लैग, अब नाउ दिस इज़ आवर फ्लैग, दिस इज़ आवर फ्लैग हो गया ना जी। तो ये होगा, आप विश्वास रखिए कि यहाँ की जो मिट्टी से जुड़े हैं लोग सभी, ये यहाँ की जो मिट्टी का असर है हर एक पर, हर धर्म के लोगों पर, वो प्यार मोहब्बत का है, भाईचारे का है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना और वतन को डिफेंड करने की जो आदत है हमें, जो जोश है, जो जुनून है, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। सर आपने अभी बोला कि आज़ादी के लिए, तिरंगे के लिए मदरसों का भी रोल रहा, मौलाना लोगों का भी रोल रहा, टिपू सुल्तान से लेकर बहादुर शाह जफर तक सर एक पूरा एक कुर्बानियाँ पेश की है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने, लेकिन उसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है। टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तो अब तो देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती है, तो ये इस पस मंजर में आप क्या कहते हैं? अरे ये इनका एक नैरेटिव है, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से आप सोचो। सर कामयाब भी तो हो रहे थे, कहाँ कामयाब हो रहे हैं, मजबूरन आप देखे रहेंगे कि 2018 में, शायद 2013 में, एक इनका ही बड़ा एक सेक्शन हजरत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाए, उनके फोटोज लगाए, उसमें बड़े बड़े लोग थे, आज जो येडियुरप्पा साहब ने बनाया, नाम हम नहीं लेंगे, मगर ये उसका मतलब ये है, ये कन्वीनियंट है कि कभी वो देश प्रेमी है, कभी वो देशद्रोही है, ये एक नैरेटिव कुछ लोगों को समझाने की कोशिश में है, लोग इनकी बात मानने को इनकार कर रहे हैं। पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि भाई अब नहीं चलेगा, इनके साथी तो इनको छोड़ के जा रहे हैं ना, इनके साथी इनको छोड़ के जा रहे हैं, अब ये परेशान है। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि अभी बिहार में जिस तरह से एक बदलाव देखा, कि जैसा नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे, इस पर आपके? देखो शायद नीतीश कुमार साहब को अब रियलाइज़ हुआ होगा कि आगे जो अब तक इन्होंने इनके साथियों के साथ चलाई थी स्टोरी और एक नैरेटिव चलाई थी, है अब वो आगे दाल गलने वाली नहीं है। कहीं शिवसेना को देखकर डरे तो नहीं थे? अरे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब किस लिए डर रहे हैं आप जानते हैं, हर एक का एक 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 कहीं ना कहीं एक डर है कि भाई कल मैं खिलाफ कर जाऊँ तो परसों मैं खिलाफ जाऊँ तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, ये ऐसे लोगों को भी पब्लिक हटा देगी। अल्टीमेटली आम जनता डिसाइड करती है कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। अब वो समझ रहे हैं, जैसे आप सब्जी वाली की बात की कि भाई आज पहले लकड़ी तो मिलती थी, अब लकड़ी मिलती नहीं है, तो घास लेट मिलता नहीं है, तो गैस भी मिलता नहीं है, इसके पीछे कितना नैरेटिव था, इतने घरों को हमने दे दिया, आंसू पोछे, आंख में धुआं जाता, ये सब तो दीज आर थिंग्स, ये अब नहीं चल रहा है।
अब नहीं चल रहा है तो लास्ट को अब सोने ने कहा कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, तिरंगा हमारा है, आपका है, हम सबका है, घर घर तिरंगा है। अरे ये तो हमने 20 साल पहले कहा था आपको, काश आप 2014 से ही ये करते हैं। अगर आप 2014 से आज करते तो हर हिंदुस्तानी आपको प्यार से यहाँ आँखों पे बिठा लेता। ये डिवीजन का पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, कदे तो नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क। थोड़े दिन के लिए इंसान भड़कता है और फिर देखो आप दूसरे दिन बाजार में सब मिलके हैं, सब मिलके हैं और सब मिलके रहना चाहते हैं। आप ज़बरदस्ती उनको अलग करने देखेंगे तो हमने फिर कही आपको बात कि आग के ऊपर पानी डालने वाले अब ज़्यादा है, तेल डालने वाले गायब हो गए। सर नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को यही कहूँगा कि ये वतन आपका है, ये आपका है, जैसे आपको आगे चाहिए वैसे आप से बनाना शुरू कीजिए। रिस्पेक्ट योर नेशन, रिस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको विश्वास रखना है एक दूसरे पे, एक दूसरे पे शक करके ज़िंदगी ज़्यादा नहीं जी जाती। इंक्लूसिव बनिए, दोस्त दोस्त ही होता है। मेरे भी बचपन के दोस्त हर मज़हब के हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए होते हैं। किसी के बोलने से थोड़ी देर के लिए होता है एक थोड़ा तनाव हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। वो भी दूर करने की कोशिश कीजिए। नेशन को बिल्ड कीजिए, अपने आप को बिल्ड कीजिए और अपने कैरेक्टर को बनाए रखिए कि हम भारतीय हैं एंड वी शुड बी प्राउड इंडियंस एंड से वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। और एक बात नौजवानों से कहूँगा, मैं बड़ा हूँ उम्र में, बचपन से मैंने देखा भी है, मेहनत भी की है, दुनिया भी देखी है। हम और आप किस्मत वाले हैं कि हम ये वतन में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में पैदा किए हैं जहाँ एक दूसरे में सिर्फ प्यार बढ़ते आया है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ थोड़े बहुत शैतान तो रहेंगे ही रहेंगे। शैतान को दूर करना आपका हमारा काम, डोंट वरी सो मच। ये बहुत अच्छा चलेगा, हज़ारों साल तक चलेगा इंशाल्लाह। और आप सब, चाहे आप अशोक हो, अकबर हो या फिर एंथनी हो, पिक्चर भी थी कोई ना, हमारा अकबर एंथनी हो, तो वही आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप सभी भारतीय हो, ये मुल्क आपका है, आपको संभालना है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 75th ईयर। और 7500 साल के बाद भी मेरे जैसा कोई कहेगा के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 7500 ईयर्स। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब। उन्होंने कहा कि ये घर घर तिरंगा एक तरह से ये इनकी नाकामी है जिसे उन्होंने एक अरसे के बाद कबूल कर लिया। लिहाजा उन्होंने नौजवानों को भी पैगाम दिया कि यहाँ की मिट्टी में वो तासीर है, यहाँ की वो मिट्टी की जड़ों में अंदर तक पैवस्त हो चुका है कि ये भाईचारा ये हमेशा के लिए रहेगा। अगर 7500 साल के बाद भी कहेंगे तो वो इस मुल्क की आज़ादी की आपको मुबारकबाद देंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।